List on the occupations according to the above picture. Iske mutabik aapko jis profession se log lagta hai, ek taluk rakhte hain, uska naam Number three question is, which of these professions you like to have for your career? Aap apne career ke liye in profession mein se kaun choose karna apne liye? Reading comprehension, choosing, career. Career means profession or line of work. What do you want to be? वट यू वन बी वु यू लाइक टू बी दिस क्वेश्चन मस्ट है डिसीज़ आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर आप क्या करना चाहते हैं ये वो सवाल है जो आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है एज अ चाइल यू मस्ट है योर साल्फ़ एज पायलट इन दिस आपने जब बचपन में एक छोटे बच्चे थे तो आपने ज़रूर किसी पायलट को आसमान की बुलंदियों पर वेव्स uh, की तरह जैसे वेव्स बनती है ना उस तरह आपने किसी फाइटर पायलट को ज़रूर देखा होगा जहाज़ उड़ाते हुए अ डॉक्टर ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी या फिर आपने किसी डॉक्टर को देखा होगा इंसानियत की ज़िंदगी बचाते के बचाते हुए और डिटेक्टिव सॉल्विंग अ क्राइम या फिर किसी जासूस को किसी जुर्म को इन्वेस्टिगेट करते हुए जैसे सीरियल किलर्स होते हैं या फिर बैंक रॉबरी हो जाती है तो डिटेक्टिव्स हायर किए जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेटर इन योर लाइफ यू मे हैव वांटेड टू एम यू हु इंस्पायर यू फिर बट जब आप बड़े होते हैं तो आपने शायद किसी किसी से इंस्पायर हो के किसी से मुतासर हो के उस जैसा बनने की कोशिश की हो या उस जैसा बनने के लिए सोचा हो एम यू मीन्स किसी को कॉपी uh, करना उस जैसा बनना फॉर इंस्टेंस अ फेमस एक्टर अ जीनियस साइंटिस्ट और अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स मैन इन में हो सकता है कि आप किसी फेमस एक्टर से मुतासर हों, किसी साइंटिस्ट से या फिर बहुत ही अच्छे किसी स्पोर्ट्स मैन से मुतािर हुए हों वो आपके लिए रोल मॉडल हो हाउ एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एन आइडियलिस्टिक और स्पेकुलेटिव म्यूजिंग अब ये वो सवाल है आपकी ज़िंदगी में जो तस्वूर तो आती नहीं है जिसके बारे में आपने बस बातचीत करके गुजारा नहीं होगा बल्कि यू नीड टू थिंक अबाउट इट सीरियसली पर अटल इश्यू टू पांडर बेटे यही है अबाउट यू नो समिंग बिफोर टेक फाइनल डिसीजन फ़ैसला करने से पहले किसी चीज़ के बारे में ग़ौर वफ़िक करना तो ये वो वक्त है जब आपने सोचना है कौन सा वक्त आपकी कॉलेज के एजुकेशन का वक्त आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एडस टाइम टू चूज़ अयर वेयर यू थिंक लाइज योर फ्यूचर ग्रोथ ये वो वक्त है जब आपके मुस्तबिल की नशोनुमा आपके इस फैसले पर मुंहसर है द रियलाइजेशन ऑफ़ योर एस्परेशन आपकी ख्वाहिशात की तकमील है उसको रियलाइज़ कर रहे हैं आप उसको मटीरियलाइज़ आपका खाप जो है वह हकीकत बनने जा रहा है फुलफिल्मेंट ऑफ़ योर पर्सनलिटी आपकी शख्सियत की तकमील होने जा रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी सेटिसफेक्शन एंड हैप्पनेस और ख़ास तौर पर ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर शामिल हो जाती हैं तो ये आपकी शख्सियत की तकमील करती हैं ये कौन सी चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी आप के अंदर सलाहियतों का पैदा होना सेटिसफेक्शन इतमान हासिल होना और उससे खुशी मिलना और राइट नैक्स्ट पैराग्राफ बिफोर एम वर्किंग ऑन अ जर्नी टू चूज़ अ करियर अपने लिए करियर चूज़ करने का जो सफ़र है उसको शुरू करने से पहले इट इज़ असेंशल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर एक जॉब के बीच में और करियर के बीच में क्या फ़र्क है उस फर्क को समझना इंतहा ज़रूरी है दो जॉब्स एंड करियर्स आर कंसिडर्ड सिनोनिम्स एंड इंटरचेंजेबल शायद करियर्स और जॉब्स दोनों को हम एक दूसरे के सिनोनिम एक दूसरे के हम मायने समझते हैं इंटरचेंजेबल समझते हैं Uh, एक दूसरे सा, के साथ इनको कंपेयर किए करते हैं सेम uh, चीज़ uh, समझते हैं हम उनको देर इज़ अ सथल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेकिन इन दोनों के दरमियान छोटा सा बारीक सा फ़र्क है अ खड़ियर इज़ नॉट मेरे लिए जॉब करियर क्या है सिर्फ एक जॉब का नाम नहीं है देयर इज मच मोर टू इट बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ है इसके अंदर शामिल किस में करियर के अंदर ये बेटे मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है इन्हीं पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चन आंसर भी हैं पीछे क्वेश्चन भी है कि जॉब और करियर को आप किस तरह डिफ्रेंशिएट uh, करते हैं कैसे फर्क बताते हैं अ जॉब इज द वर्क वन डस्ट वन मनी वो काम है जो पैसे कमाने के लिए करते हैं इट मे बी फुल टाइम टू मेक अ लिविंग और पार्ट टाइम टू सपोर्ट स्टूडेंट ड्यूरिंग एकेडमिक टर्म हो सकता है जॉब फुल टाइम हो जो आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करें या फिर पार्ट टाइम जॉब हो जैसे स्टूडेंट्स करते हैं अपने एकेडमिक अपने तालीमी अखराज को पूरा करने के लिए इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी एट डज नॉट नेसरी रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल डिग्री ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है थोड़े टाइम के लिए होती है और इसके लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है और फ्यूचर प्लानिंग और इसके इसके लिए आपको लंबी चौड़ी प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ती ऑन द अदर हैंड अ करियर इस लॉन्ग टर्म जर्नी जबकि दूसरी तरफ जो करियर है वो लॉन्ग टर्म जर्नी लंबा सफ़र है बेस्ड ऑन वन पैशन्स किस चीज़ के साथ इसका ताल्लुक़ है आपके जज्बात के साथ फ्यूचर ग्रोथ होती है आपके इसके मुस्कबिल के अंदर एंड पर्सनल एडवांसमेंट और आपके जिंदगी में ये आपकी लाइफ को इन्हांस करता है फ़र्दर उसको पॉलिश करता है आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है क्या आपका करियर फॉर अ करियर वन नीड्स अ सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन करियर में जाने से पहले आपको एक लेवल एक स्पेसिफिक लेवल तक एजुकेशन लेनी पड़ती है अपने आप को इक्विप्ड करना पड़ता है तालीम से देन अ प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है और एटलीस्ट आज डेफिनेट स्किल सेट या फिर आपको कोई ना कोई स्किल कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में महारत हासिल करना पड़ती है इट द थर्ड पैराग्राफ द फर्स्ट थिंग यू शड डू चूजिंग अ करियर इज़ टू मेक श्योर इट इंट्रस्ट यू आपको किसी भी करियर को चूज़ करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो क्या है इट इंट्रस्ट यू इसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए समथिंग विच ब्रिंग्स यू सैटिस्फेक्शन एंड हैपीनेस ऐसा करियर चूज़ करें जो आप के अंदर इतमान ला सके और आपके लिए खुशी और सुकून का बायस बन सके यू बी मोर सक्सेसफुल फुलफिल्ड एंड प्रोडक्टिव इफ इफ यू आर एंथ्यूजिक अबाउट योर चूजन पाथ आप ज़्यादा कामयाब होंगे ज़्यादा अच्छी तरह अपनी ख्वाहिशात की तकमील करेंगे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे और प्रोडक्टिव होंगे आप मुफीद शहरी साबित होंगे माशरे के लिए मुल्क मिल्लत के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए Uh, और आप इंथ्यूजियाटिक होंगे इनर्जेटिक होंगे आर्ट एंड वेगरस जील्स जल्स अबाउट योर चूजन बात इफ़ यू फील यू आर फैशनेट अबाउट साइंस और फैशन डिजाइनिंग और लिटरेचर और ऑस्ट्रॉनोमी और बिजनेस अगर आपको लगे कि आपके अंदर इन चीज़ों में जाने का पर बहुत ज़्यादा पैशन है आप डिटर्मिन हैं आपके अंदर बहुत जुनून और जज्बा है किस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए साइज को या फिर फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं या फिर आप लिटरेचर लिखना चाहते हैं या फिर आप ऑस्ट्रोनमर बनना चाहते हैं जो स्टडी ऑफ एवरी थिंग यू नो इन द यूनिवर्स सच एज सन है मून है सोलर सिस्टम है आपका सारा स्टार्स प्लान एवरीथिंग यू नो ओके तो या फिर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं देन ऑप्ट फॉर एट फिर आपने क्या करना है इसको अपनी चॉइस बनाइए उसी चीज़ को फॉलो कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है विदाउट विदाउट केयरिंग वो अदर्स चूज इस बात की हर किस परवाह नहीं करनी कि आपके पीयर पीयर ग्रुप्स जो हैं जो आपके क्लास फेलोज हैं आपके कंटेम्प्रेज हैं आपके कज़न्स हैं वो क्या चूज कर रहे हैं मैनी स्टूडेंट्स चूज अ पर्टिकुलर फील्ड बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे प्रवेलिंग सोशल ट्रेंड्स को देख के बहुत सारे बच्चे अपने अपने लिए करियर का इंतखा करते हैं जो बिल्कुल गलत है आपकी सोसाइटी में बच्चे डॉक्टर बनने ज़्यादा आपको भी डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है आपको भी इंजीनियर बनना है ये गलत ट्रेंड है इसको फॉलो नहीं करना यही प्रोवेलिंग सोशल ट्रेंड्स हैं माशरे के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा रिवाज पा जाती हैं उनको फॉलो करना द इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली या फिर अपनी फैमिली की इंसिस्टेंस को आपके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं होना चाहिए अगर है भी तो उनको प्यार से समझाएं उनको कन्विंस करें फिर प्रेशर आपके जो साथ बच्चे पढ़ते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा पायलट बन गया कामयाब उसकी ज़िंदगी हो गई वो डॉक्टर अच्छा बन गया वो इंजीनियर अच्छा बन गया ये उस फील्ड में जा रहा है मैंने भी उसी में जाना है ऐसा नहीं करना तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारे बच्चे के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती उनका Uh, घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता उनको गाइड करने के लिए अबाउट अदर चॉइसेस जो उनको दूसरी चॉइसेस के बारे में आगाह कर सके बर वक्त कि आपको यहाँ किस फील्ड में ना जाना चाहिए ना बिकॉज ऑफ देयर जेनविन इंटरेस्ट इन इन द फील्ड आपने इंटरेस्ट के बगैर किसी भी फील्ड में नहीं जाना इन सारी चीज़ों के पीछे आपने नहीं लगना यू आर इन एन इंडिविजुअल सो यू हैव टू मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी गो फॉर ऑन योर चॉइस किसी के पीछे नहीं लगिए अल्टीमेटली सम आफ्टर सम टाइम दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू जब आप किसी को देख के किसी को फॉलो करके उसके पीछे लग के अपना करियर चूज़ करते हैं तो जबकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर मोटिवेशन नहीं होती आप इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हैं और बॉडम का और और आई uh, मीन I mean, के बोरियत का शिकार हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू डिससेटिसफैक्शन तो इस इस लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से क्या होता है आप बेतमैनानी और बेसकूनी का शिकार हो जाते हैं आम नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस और आपके अंदर नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस यानी आप आपके जो जज्बात हैं वो बहुत मनफी हो जाते हैं एवरी फील्ड ऑफर्स पोटेंशल ग्रोथ हर फील्ड के अंदर ग्रोथ का एलिमेंट पाया जाता है हर 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 फील्ड के अंदर आप बहुत आगे जा सकते हैं सक्सेस हासिल कर सकते हैं एंड सेटिस्फेक्शन और आप इतमान हासिल कर सकते हैं इफ़ यू एक्सो इन इट अगर आप उसमें तरक्की करते हैं बाय फरिंग योर हार एंड सोल इन टू इट वो कब होगी तरक्की जब आप दिलो जान से किसी काम के लिए मेहनत करेंगे और बेटे आप दिलो जान उस वक्त उसमें अपने काम में शामिल करते हैं जब आपका इंटरेस्ट हो आपका पैशन हो आपका जुनून हो फिर आप कामयाब होते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ योर पर्सनालिटी टाइप और योर वैल्यूज़ ऑल्सो डिटर्मिन द चॉइस ऑफ करियर ये दो चीज़ें हैं जो आपके करियर को डिटर्मिन करती हैं चॉइस देती हैं आपको कि आप किस शोबे का इंतखा करेंगे अपने लिए कौन सी आपके पर्सनैलिटी टाइप और योर वैल्यूज़ आपके सोशल नॉर्म्स आपके माशरे की अखलाकियात रिवायात रस्म व रिवाज एवरी वन हैज़ सटन पर्सनल वैल्यूज़ विच मोल्थ हिज और हर प्रेफरेंस हर एक की सोशल वैल्यूज़ होती हैं जो उसको गाइड uh, करती हैं लड़की या लड़का कि उसने किस प्रोफेशन में जाना है फॉर एग्जांपल अगर लड़की है तो वो कहती है उसको पायलट बनना है उसको एयर होस्टेस बनना है या फिर उसको आर्मी में जाना है जबकि उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत रिलीजियस है बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है तो वो उस प्रोफ़ेशन में कभी नहीं जा सकती या फिर उसको मॉडल बनना है तो आप अपने नॉर्म्स का ख्याल रखते हैं अपनी फैमिली वैल्यूज़ का इट इज़ फॉर सम इट इज़ इंडिपेंडेंस कुछ लोग जो है वो जॉब नहीं कर सकते क्योंकि जॉब के अंदर यू हैव टू भी डिसप्लेंड ऑर्गेनाइज फंक्चुअल रेगुलर जबकि आज़ादी छीन जाती है इसमें एंड फोर अदर्स इट इज़ रिकग्नीशन और लीडरशिप कुछ लोग कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी शिनाख्त बने कुछ लोग चाहते हैं कि वो लीड करें लोगों को सम विश टू हेल्प ह्यूमेनिटी कुछ इंसानियत की मदद करना चाहते हैं एंड अदर्स डिज़ायर इंटेक्चुअल कुछ लोग बहुत विटी होते हैं तो वो बहुत किसी इंटेलेक्चुअल फ़ील्ड में जिसके अंदर आपके ब्रेन इन्वॉल्व हो आपकी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो वो उनको बुरूएक लाए आप ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं कुछ साइंटिफिक माइंड के लोग होते हैं बच्चे होते हैं वो साइंटिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं कुछ आर्टिस्टिक अचीवमेंट कुछ लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं सो so, ये चॉइसेस हैं जो आपको राइटर ने दी हैं कि आप इन इन प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं योर करियर डिसीजन शुड कॉरिस्पॉन्ड कॉरेस्पॉन्ड एंड कॉम्प्लीमेंट योर वैल्यूज़ आप जिस भी करियर में जाएं, वो कॉरेस्पॉन्ड uh, मींस वो कॉन्ट्राडिक्ट्री uh, ना हो और बल्कि उसमें ऐड करें आपकी वैल्यूज़ के साथ टकराता हुआ आपका शौक़ नहीं होना चाहिए और बल्कि उसको उसको ऑगमेंट करता हुआ हो फर्दर उसमें कुछ इन्हांसमेंट हो फर्दर जो करियर आप चूज़ करें वो आपकी फैमिली वैल्यूज़ के अंदर इजाफा करे आपकी शान शौकत में आपकी कदर और कीमत में आपकी इज्जत में इजाफे का बायस हो सूटिंग एंड मैचिंग योर पर्सनलिटी टाइप एन अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपकी शख्सियत से मैच करता हुआ आपका प्रोफेशन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल एंड एक्स्ट्रोवर्टेड पर्सन फाइन अ सोशल कस्ट कस्टमर ओरिएटेड वर्क प्लेस एक्स्ट्रोवर्टेड कौन होता है बैठे द पर्सन हु इज़ वेरी सोशबल आउट गोइंग पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला और लोगों के बीच में रहने वाला बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग वाला इंसान तो उसको किस तरह के जॉब में जाना चाहिए जिसमें कस्टमर ओरिएटेड वर्क प्लेस जैसे मार्केटिंग है उसमें उसको जाना चाहिए जैसे पब्लिक डीलिंग है पब्लिक अफेयर्स है इस तरह की जॉब में जाना चाहिए उसके लिए मोर अपीलिंग होगी अट्रैक्टिव होगी इन कंट्रास्ट एंड इंट्रोवर्टेड उसका बिल्कुल अपोजिट इंट्रोवर्टेड पर्सन मे बी मोर अटीज इन अ करियर दैट रिक्वायर्स लेस सोशल इंट्रेक्शन जबकि जो इंट्रोवर्टेड है जो लेस सोशल पर्सन है वो उसको किस किस्म की जॉब में जाना चाहिए जिसके जिसमें लोगों के साथ उसका इंट्रेक्शन कम से कम हो और मोर इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टास्क जो बच्चे जो लोग खामोश रहते हैं वो ज़्यादा ऑब्जर्व डीपली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को तो फिर वो बहुत अच्छा यू नो एनालाइजिंग स्किल रखते हैं तो इस तरह के लोगों को एनालिटिकल टास्क देना चाहिए वो उसको बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे इंजीनियरिंग में वी आ गुड फील्ड फॉर सम वन हु डू प्रैक्टिकल वर्क इन द फील्ड और इंजीनियरिंग किसके लिए अच्छा है जो प्रैक्टिकली काम करना चाहता है जिसका इमेजिने इमेजिनेशन पे बेस करता हुआ काम नहीं है द नेक्स्ट स्टाप इन योर पर सुच टू चूज़ योर करियर इज़ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंग एंड वीकनेस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने अपनी स्ट्रेंथ और, और, और वीकनेसिस को देखना है कि आपके अंदर क्या ख़ूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं एट इज़ असेंशल टू नो इफ़ यूज द रिक्वायर्ड स्किल टू परोर प्राफर्ड करियर बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि जिस करियर को आप चूज कर रहे हैं अपने लिए मुंतब कर रहे हैं उसमें जाने के लिए जो ज़रूरी स्किल हैं वो आपके पास मौजूद हैं यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर पाई जाती है फॉर एग्जांपल यू मे लाइक कंप्यूटर साइंस एंड वांट टू मेक अ करियर इन इट आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है उसी में करियर बनाना चाहते हैं पर द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स नेसेसिटीज सॉलिड एंड लॉजिकल स्किल्स तो उसके लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए आपको मैथ स्ट्रॉग होना चाहिए ये उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और आपको सॉलिड एंड लॉजिकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए किसमें कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज़ नीडेड इफ़ यू एस्पायर टू बी अ चार्ट अकाउंटेंट अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप चार्ट अकाउंटेंट बने तो आपको क्या करना चाहिए आपके पास अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए लाइक वाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट्स यू शुड बी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक अगर विजुअल आर्ट में जाना है तो आपके अंदर यू नो यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड आर्टिस्टिक आपकी जो इस्थेटिक सेंस है इट शड बी वेरी स्ट्रॉन्ग आप के अंदर ये पैदा जो जो तख्लीक करने की सलाहियतें होती हैं वो और फ़नकाराना माहराना सलाहियतें हैं वो होनी चाहिए एट ट्रीब्यूट दैट कैन बी डिसप्लेड थ्रो योर वर्क ऐसी ख़ूबियाँ जो आप अपने काम के ज़रिए फिर आ, डिस्प्ले कर सकें अपनी खूबियों को इजहार कर सकें उनको दिखा सकें अपने काम के थ्रू यू मे चूज़ अ करियर ओनली वैन यू आर श्योर द यू पोजेस द रिक्वायर्ड स्किल्स आप उस वक्त करियर चूज़ करें यकीनी तौर पे जब आपको यकीन है कि आपके अंदर वो सारी सलाहित पाई जाती हैं जो उसके लिए क्राइटेरिया uh, है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड स्किल ओ यू विल बी एबल टू मास्टर द नीडिड स्किल और आप सिर्फ उसी वक्त इसकाबिल होंगे कि अपने स्किल्स को उसमें आप परफेक्शन हासिल कर सकें उनको फर्दर पॉलिश कर सकें हैंड कर सकें अपनी सलाहियतों को मज़ीद परवान चढ़ा सकें देर आर मैनी एप्टीट्यूड थर्ड्स टेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन हेल्प यू रीच अटेबल डिसीजन बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट आपको मिलते हैं आप उनको वेल कीजिए उनमें अपेयर होइए ताकि आपको पता चले कि आपका एप्टीट्यूड किस प्रोफेशन में जाने के लिए सुटेबल है मुनासिब है मेक श्योर योर एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट आर कम्पैटबल विध योर इंटरनेट करियर पाथ आपने इस बात को मेक श्योर sure करना है यकीनी बनाना है कि आपकी जो सलाहियतें हैं और जो आपके इंटरेस्ट हैं आपकी दिलचस्पियाँ हैं वो कम्पैटबल हों कम्पैटबल मीन्स यू नो उनके अंदर हाँ हम आहंगी हो को एग्जिस्टिंग हो जिस प्रोफेशन में आप जाने का इरादा रखते हैं उनके साथ समाइम्स वी हैव अ वेरी आइडियलिस्टिक एंड अन अटैनेबल पर ऑफ आर ड्रीम करियर समाइम्स बेटे ऐसा भी होता है कि हम अपने ड्रीम करियर के लिए जो हमने खाब देखा होता है जिसमें उसमें जाने के लिए हमारी जो अप्रोच होती है वो बहुत आइडियलिस्टिक होती है तो इसके सहारे हम नहीं जा सकते और अन अट्ठेनेबल परसैप्शन जिसको आप हासिल नहीं कर सकते इस तरह का आप एक परसैप्शन रखते हैं अपने दिमाग में एक खाका बनाते हैं दे आर फॉर इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू टॉक टू समन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन दवियर यू वॉन्ट टू परसू तो उस सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि आप किसी ऐसे शख्स से रबता करें उससे रहनमाई हासिल करें जो ऑलरेडी उस उस प्रोफेसन के अंदर है बाय कंसल्टिंग वैठन ऑफ द फील्ड वैटन का मतलब होता है परसन हैजफ एक्सपीरियंस ऑफ समुलर फील्ड किसी किसी फील्ड के बारे में उसके पास काफ़ी नॉलेज मौजूद है वो माहिर है तो आप उससे कंसल्ट कीजिए उससे रबता कीजिए यू मे गेन वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द पर्टिकुलर फील्ड फील्ड्स एक्सपेक्टेशंस और प्रोसीजर और डिफ़िकल्टीज एंड रिवॉर्ड्स तो जब आप इस तरह के किसी माहिर शख्स से मिलेंगे तो वो आपको अंदर की बातें बताएगा उस फील्ड के जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोसीजर है जो जिस तरीके का कार से गुजरना पड़ेगा आपको जो उसके मसाइल हैं और जो उस आपको अगर आप उस प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको उसका क्या फ़ायदा क्या होगा वो आपको ये सब कुछ बताएगा जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में इन्वॉल्व है और उसको बेहतर जानता है फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे क्या बताया उसने इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ करियर इन एक्डेमिया अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं दैन इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू अप्रोच यूर टीचर टू गाइड यू टू वर्ड्स योर इंटैंड बात तो इसके लिए क्या बेहतर है अगर एजुकेशन में जाना है तो अपने टीचर से बात कीजिए वो वो शख्स है जो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा कि आपको क्या करना है ही और शी मे बी एबल टू टैल यू अबाउट द इंस्टीट्यूशनस वो आपको ना सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएगा जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आपको प्रोसेस एंड एंड सम हेल्पफुल टिप्स टू अचीव योर गोल बल्कि आपको प्रोसेस भी बताएगा इंस्टीट्यूशन भी बताएगा और आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी देगा उनमें अपलाई करने के लिए और आई इट टॉक टू एन आर्मी ऑफिसर टू और विजिट रिक्रूमेंट सेंटर टू नो मोर अबाउट लाइफ इन द फोर्स एंड द डिमांडिंग सिलेक्शन क्राइटीरिया इफ़ योर ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द मिल्ट्री अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो किस से बात करनी है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए किसी आर्मी ऑफिसर से मिलिए किसी मेजर से किसी कैप्टन से मिलिए कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया था या फिर किसी रिक्रूटमेंट सेंटर से जहाँ पर फौजियों को आई मीन जॉब के लिए बुलाया जाता है वहाँ पर जाकर देखिए कि कैसे वो वो सारा प्रोसेस से वो गुजरते हैं जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो रिटर्न टेस्ट होते हैं वो किस तरह होते हैं और या फिर आप डिमांडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका क्या होगा वो वही लोग बता सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इफ़ यू ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग मिलिट्री अगर आप फौज में जाना चाहते हैं इफ़ पॉसिबल अटेंड करियर काउंसलिंग सेमिनार्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल माई बॉयज एंड ग क्या करना है करियर काउंसलर से मिलना है उनसे पूछिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है तो आप कौन से प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं और सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर सेशन अटेंड कीजिए करियर काउंसलर से मिलिए और उनसे अपनी हेल्प लीजिए अपने प्रोफेशन के बारे में ही और शी मे नॉट ओनलीनली एबल टू हेल्प यू टू चूज करियर बट कल्सो गाइड यू थ्रू द एडमिशन प्रोसेस विद विद सजेस फॉर सुटेबल इंस्टीट्यूशन मैथड्स टू अपटेन स्कॉलरशिप और इन्फॉर्म यू ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल एड इफ़ नीड बी Alright, long sentence. Let's break it into small parts from here. He or she may not only be able to help you up help you, but to choose career, career choose ke liye, but also

आई मीन यू नीट गेट सम फाइनेंशियल एड फ्राम द इंस्टीट्यूशन इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप इन पर्टिकुलर स्टापेंट देते हैं ना वजीफे देते हैं और स्कॉलरशिप मिलता है तो उसको आपने किस तरह अवेल करना है अपने लिए मोस्ट ऑफ़ दबरियर्स रिक्वायर अर्सिटी डिग्री एंड एन एक्सटैंसि पीरियड ऑफ स्टडिंग और ट्रेनिंग आपको ज़्यादातर करियर के लिए क्या करना पड़ता है यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए होती है Extensive period of studying training, और एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ स्टडिंग और ट्रेनिंग बहुत लंबे अरसे के लिए आपको ट्रेनिंग या फिर स्टडी करनी पड़ती है किसी चीज़ किसी सब्जेक्ट के बारे में इट इज़ ऑलवेज वाइज टू नो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बेहतर क्या है कि बहुत बहुत सारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के क्राइटीरिया जो एडमिशन का क्राइटीरिया है उससे आपको uh, Uh, उसकी नो हाउ आपको होनी चाहिए नॉलेज होना चाहिए आपको कि वो कैसे है कैसे अप्लाई करना है ऑफर सच डिग्रीज जो इस तरह की डिग्रीज आपको ऑफर करें वो वो इदारे उन इधारों के बारे में उनके क्राइटेरिया के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए नाउ और इज़ ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ फंक्शनल वेबसाइट वे डिटेल्ड एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर इंफॉर्मेशन uh, अवेलेबल है हर तरह की मालूम मिल जाती है एडमिशन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट दियर एंट्रेंस टेस्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो डिक्लेयर करती हैं आप उसमें अप्लाई करते हैं फिर आप वो टेस्ट देते हैं बट समल्सो एक्सेप्ट द साट स्कोर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो साठ स्कोर को ही एक्सेप्ट कर लेती हैं ये साठ स्कोर भी क्या है एब्रीवेशन है पीछे एम सी क्यूज के अंदर भी इसका क्वेश्चन है स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको भी एक्सेप्ट कर लेती हैं आपके इस टेस्ट के रिजल्ट को भी विजिट द वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टू फेमिलइज़ योर सॉफ़ विद द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ़ द टेस्ट अपने आप को टेस्ट के यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अप्लाई करने से पहले किसी और कंपिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले अच्छी तरह फेमिलियर कीजिए अपने आप को अपने आप को इक्विप्ड कीजिए कि उनका टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा और Uh, और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर यू शुड नो द टेस्ट फॉर्मेट फॉर एडमिशन टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर बनना है तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट कंडक्ट कराती हैं जैसे एम कैट का टेस्ट है तो आपको उसका पैटर्न पूरा पता होना चाहिए कि कितने परसेंट सब्जेक्ट आएगा आ, कितने परसेंट इंग्लिश ग्रामर आएगी कितने परसेंट उसमें जनरल नॉलेज होगा यू you नो know, इस तरह की चीज़ें या फिर ग्रामर कितनी होगी और और यू you नो know, और और यू नो सब्जेक्टिव टाइप जो है पेपर वो होगा नहीं होगा आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए इज़ एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट्स बिफोर टेकिंग दैम टेस्ट देने से पहले अपने आप को उस उस प्रोसीजर में से uh, आपको फैमिलियर होना चाहिए और टेस्ट की प्रेपरेशन पहले से होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या होगा विजिट लाइब्रेरीज और सर्च ऑन the इंटरनेट फॉर the बुक्स एंड relevant material फॉर preparation लाइब्रेरीज़ में जाइए इंटरनेट को खंगालिए अच्छी तरह और फिर आपको या फिर बुक्स पढ़िए किसके लिए जो रेलिवेंट मटीरियल है उससे रिलेटेड आपके प्रोफेशन से ठीक मोर मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं मेरे ये प्री टेस्ट्स आप जब अपेयर होते हैं किसी चीज़ के लिए तो उससे पहले आपकी प्रपरीशन के लिए ये मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं offered by many websites to identify identify priority areas you need to work upon आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऑफर करती हैं तो मॉक टेस्ट्स में पहले अपेयर हुई है ताकि आप फेमिलियर हो जाएं यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के साथ और टेस्ट के साथ इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का भी अंदाज़ा हो जाता है फाइनिंग योर ड्रीम करियर कर मेरे लिए विश ये एक सिर्फ ख्वाहिश नहीं है इस रिक्वायर्स हार्ड वर्क इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कमिटमेंट चाहिए होती है एंड राइट एटीट्यूड और आपका रवैया उसके उसके साथ बिल्कुल सीरियस यू नीड टू बी सीरियस टू अचीव समथिंग ग्रेटर ओके हाउ एवर समट योर जेनविन एफर्ट वी आर अनएबल टू अचीव आवर गोल्स बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम पूरी जान लड़ा देते हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन रियलिस्टिक तो आपने उस वक्त क्या करना है बिल्कुल हकीकत पसंदाना बनना है आपने यू यू शुडन लूज योर हार्ट यू नॉट बी डिसपॉइंट बिल्कुल दिल नहीं छोड़ना यू नो बी ऑप्टमिस्टिक अबाउट अदर पोटेंशल अपॉर्चुनिटीज एंड हैव अ बैकअप प्लान आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आप इस फील्ड में अपना काम हो जाते हैं किसी वजह से तो आप फिर ये वाला ऑप्शन आप अवेल करेंगे दिस डज नॉट मीन गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ दें इन स्टार्ट इट सिंपली मीन्स टू हैव अ सीरियस रिट्रोसपैक्शन रिट्रोसपेक्शन क्या है बेटे when you analyze yourself यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका meaning लिखा हुआ है it means an here an examination of one's own thoughts सोचिए कि कहाँ क्या mistake की है आपने फीलिंग्स और feelings और uh, examination of one's own soul अपने आप को examine करना अपने आप को देखना कि मैंने गलती कहाँ की है राइट right, तो अपने आपको एनालिसिस कीजिए इट्स सिंपली मीन्स टू हैव अ सीरियस रिट्रॉस्पेक्शन एंड इफ़ रिक्वायर्ड री डिजाइन योर गोल अगर हो सके दोबारा पेयर होना है तो अपना गोल दोबारा डिज़ाइन कीजिए मीन्स उसके ऊपर काम कीजिए इट ऑल्सो डो नॉट सरेंडर बिट ए नवर एवर इफ यू सरेंडर इट इट मीन्स यू हैव यू नो साइन योर फेलियर योर सेल्फ टू नॉट गिव अप ट्राई अगेन सक्सेस योर इट ऑल्सो मीन्स रिव्यूइंग योर स्ट्रेटजी एंड मेकिंग एन एफर्ट विद न्यू बिगर अपनी स्ट्रैटी दोबारा बनाइए एक नए जज्बे के साथ सामने आइए मोर एक्सपीरियंस्ड होके मोर इक्विप्ड होके एंड फर्स्ट हैंड इन साइट और अंदर का नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा तो फिर आप सेकेंड अटैम्प्ट में बहुत अच्छा सा उसको कर लेंगे लाइफ इज़ अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिंदगी बहुत बड़ी है बेटे और बहुत अपॉरचुनिटीज़ हैं इसके अंदर एक नहीं मिलती दूसरी के लिए कोशिश करो दूसरी नहीं मिलती तीसरी के लिए कोशिश करो कोशिश करते रहो बेटे कोशिश ही ज़िंदगी है एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज़ अनटिल यू फाइंड द वन सूट्स यू तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपको अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन अप अनठाप्ड एंड अनडिसकवर्ड टैलेंट हर इंसान के अंदर ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनको उसने कभी एक्सप्लोर नहीं किया होता उनको पता नहीं उसको नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये सलाहियत भी पाई जाती है ईच वन ऑफ यू हैज द पोटेंशियल टू ग्रो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये फ़ितरत रखी है कि वो कोशिश करता है और आगे बढ़ता है यू ओनली हैव टू आइडेंटिफाई द फील ऑफ़ योर द फील्ड और करियर वेअर यू कैन सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज योर ट्रू पोटेंशल आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है पहचानना है कि आपका जो करियर है वो किस में यू कैन सक्सेसफुली ऑप्टमाइज़ वो करियर चूज़ करना है आपको जिसमें आप अपनी सलाहियतों को पीक पर ले जाए नुकतः पर ले जाएँ वो अपने पोटेंशियल को फुल वो पूरे जितनी अल्लाह ने आपके अंदर सलाहियत रखी है अपनी सलाहियतों को पूरे पोटेंशियल के साथ पूरे ऑप्टमाइज़ यू नो उसको टू द लास्ट एक्सटेंट ऑफ योर ऑफ़ योर पोटेंशल उसको यूज़ करें नॉट एवरी वन इज़ डेस्टिन फॉर द सेम करियर और द सेम पाथ हर इंसान की किस्मत में बेटे एक जैसी नहीं होती मुकदस सबका एक जैसा नहीं होता सबके रा, रास्ते मुख्त होते हैं देर आर रोड्स लैस ट्रेवल्ड बाय ऐसे भी रास्ते हैं जिसमें जिसपे कोई चला ही नहीं अब थाउजेंड डिफरेंट पाथ्स टू चूज़ फ्राम बहुत सारे रास्ते हैं उनमें से चूज़ कीजिए बेटे आई एम I've never seen a single student in my life, you know, who ha who have a dream to be a, you know, politician, to be a leader, to be a judge, or to be someone different. Everybody is running after to becoming doctors, engineers, you know, or or chartered accountants. But are many ways, many ये इस पैराग्राफ का पूरे का सब्सटेंस है हैव फेथ इन योर सेल्फ़ अपने पे भरोसा कीजिए हैव अ क्लीन विजन ऑफ योर फ्यूचर आपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल साफ़ और वाज नक्शा अपने जहन में रखिए आप सेल्फ थ्रू एन ऑनेस्ट असेसमेंट अपने आप को जज कीजिए फेयर होके औरबाइसड होके और न्यूट्रल होके एंड स्ट्राइव विद द हेल्प ऑफ एन अनवेवरिंग डेडिकेशन और कैसे कोशिश करें अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ डट जाए एंड टुवर्ड्स योर वर्क अपने काम के ऊपर दिलोजान डाल के फिर आप कामयाब होंगे इसका जो कॉन्टेंट है बेटे एग्जैम्बल्स द आर प्रीवियस लेसन सेल्फ रिलायंस के साथ बहुत मिलता जुलता है वेरी मोटिवेशनल वेरी वेरी इंफ्लुशल वेरी मच यू नो इनक्रेजिंग इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स

सो so, बेटे मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छी तरह ये समझा सकूँ कि करियर क्या है जॉब क्या है कैसे चूज़ करना है तो जो वर्ड मीनिंग्स है उनको आप स्क्रीन करेंगे तो आपको बेटे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर फिर भी कोई मुश्किल हो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी सो चिल मैं नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून स्टे ब्लैस्ट अल्लाह हाफिज़